अयाज यार, अगर तुम पहले फोन कर देते तो मैं जल्दी आ जाता। प्लीज डोंट माइंड, लेकिन बुरा हुआ। मैं अभी पुलिस में पता करवाता हूँ, और हमारे पड़ोसी भी तो देख ही रहे हैं ना, वो सब लोग तो रात भर जाग ही रहे होते हैं। इंशाल्लाह मिल जाएगा। इंशाल्लाह पार्टनर, इंशाल्लाह। अब उसकी अम्मी आ जाएंगी और सब पता चल जाएगा उनको। दिल भर के बेइज्जती होगी और फिर हमारे पास ना इज्जत रहेगी और ना शो। सब कुछ बर्बाद हो गया। आ गई है वो, अब क्या करें? हेलो, खुश आमदीद। वेलकम। थैंक यू। हेलो, वेलकम। वेलकम। शायद यहाँ पर कोई पार्टी हो रही थी। ये सारे मेरे दोस्त हैं, बल्कि बहुत अच्छे दोस्त हैं। क्यों, है ना दोस्तों? जी जी बिल्कुल। हम सब बहुत अच्छे दोस्त हैं। बहुत अच्छे दोस्त हैं। जी हाँ, हम लोग तो अक्सर इसे शैतान कहते हैं। मेरा वो शैतान बेटा कहाँ है? ये फिजा है, हमारी सबसे छोटी फ्रेंड है। मिले आप इससे? मुझसे 3 दिन छोटी है ना फिजा? बताओ बताओ ना। जी हाँ जी हाँ, मैं सबसे छोटी हूँ। हेलो मैम। वैसे मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू डियर, लेकिन मैं इमरान की बात कर रही हूँ। कहाँ है वो? टॉयलेट में तो नहीं है ना? नो, इस वक्त वो टॉयलेट में नहीं है। तो कहाँ है वो, अब बुलाए उसे? कहीं अंदर सो तो नहीं रहा? लेकिन इतनी जल्दी वो कभी नहीं सोता। वो सो भी नहीं रहा है। जीनिया, मेरा बच्चा कहाँ है? शहाना मैडम, एक्चुअली मैं दरवाजा। शायमा, किस बात पे हंस रही हो तुम? क्या हुआ शैतान की खाला? इमरान, आओ आओ। हाय मामा की जान, कहाँ थे बेटा आप? हाँ, बाहर गया था मामा। आ गया ना, यहाँ सब जमा क्यों है? हमें ये पार्क में मिला बेचारा, अकेले खेल रहा था वहाँ। आसपास इतने अजीब से लोग थे, अगर इसको कुछ हो जाता तो पता नहीं क्या होता। क्या क्या मतलब? तुम लोगों को प्रेस में बदनामी की वजह से पुलिस से ये बात नहीं छुपानी चाहिए थी? बच्चा गुम हुआ था, अगर उसे कुछ हो जाता तो? अगर मैं होती तो माफ नहीं करती। ये क्या कह रही है जीनिया? वो बात ये है कि... क्या बात है? मेरा बच्चा गुम हो गया था? मुझे यकीन नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा। आप लोग कैसे इंसान है? हाँ, आपको अपनी औलाद सौंपी थी मैंने, आप लोगों ने पुलिस को भी नहीं बताया। किस बात का इंतजार कर रहे थे? किसी कुएं में गिरने का या फिर किसी हादसे का? मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरी जान। अफसोस हुआ मुझे तुम लोगों पर। अब मेरे साथ काम नहीं कर सकते तुम लोग, मुझे शो नहीं करना। लापरवाह, अफसोस है तुम लोगों पर, और खास तौर पर आप पर, जीनिया और अयाज। आइंदा कभी भी मेरे सामने ना आना, समझ गई तुम? कभी भी नहीं। गुड बाय। मुझे क्या पता कि उन्हें नहीं बताया? अगर मुझे एक मैसेज कर देती तो मैं नहीं कहती ना ये सब कुछ उनके सामने। आई एम सॉरी, तुम एक्टिंग क्यों कर रही हो? तुम्हें नजर नहीं आ रहा था? यार फिजा बिल्कुल सही कह रही है। शायमा, तुम्हें कुछ तो ख्याल करना चाहिए था। हर चीज बर्बाद कर दी। ये हमेशा ऐसे ही करती है अयाज, तुम्हें नहीं मालूम? अरे तुम सबको क्या हो गया है, पागल हो? ये भी तो देखो कि बच्चे को ढूंढ के लाने वाला कौन है। शायमा, है ना? अब बजाय इसका शुक्रिया अदा करने के तुम लोग इसे बातें सुना रहे हो और डांटे जा रहे हो। ये क्या बात हुई यार, ये कौन सा तरीका हुआ? हैरत है तुम लोगों पर। माय डियर, जावियर ने बिल्कुल ठीक कहा है, शायमा का कोई कसूर नहीं, कसूर सिर्फ अयास का और मेरा है। तुम ठीक हो ना मेरी जान? जी मामा, मैं ठीक हूँ। मेरी जान, आइंदा मैं आपको किसी के पास नहीं छोड़ूंगी, वाकई किसी के पास भी नहीं। हमेशा साथ रखूंगी तुम्हें। अनम और एवरिन से दोस्ती थी ना, इसलिए बच गए वो, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो इतने गैर जिम्मेदार और जाहिल लोग हैं। अयाज भाई और जीनिया, आप ही के बारे में बात कर रही हैं आप? हाँ, इन दोनों के बारे में ही बोल रही हूँ। वो तो बहुत अच्छे लोग हैं। उन दोनों ने आपका ख्याल नहीं रखा ना? उन्होंने कुछ नहीं किया, मैं ही हाइड एंड सीक खेल रहा था, मैं छुप रहा था, वो लोग तो मुझे ढूंढ रहे थे। इमरान, उनकी वजह से आप गुम होने वाले थे, उन्हें बचाने की कोशिश ना करो प्लीज। उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा था मामा,
उन्होंने मेरे साथ पूरा दिन गुजारा था। अब तो मेरे साथ खेलती भी नहीं है और आप तो मुझे कभी कहानी भी नहीं सुनाती। वो तो मुझे बाबा की तरह कहानियाँ सुनाते हैं। आपके पास मेरे लिए कभी वक्त ही नहीं होता। वो तो आपसे बहुत अच्छे हैं मामा, वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। ओके, बस करो बेटा। ठीक है बेटा, अब खुद से अलग नहीं करूंगी आपको। यूसुफ जल्दी गाड़ी रोको। बेटा यूसुफ नहीं, यूसुफ भाई बोलते हैं। शाहना मेरी बात सुनो। बेटा आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? अभी आप उनके पास वापस जाएंगी और हाँ, आप उनसे माफ़ी भी मांगेंगी और आपको उनके शो में जरूर जाना पड़ेगा, समझी आप? माफ़ी मांगूंगी? ऐसे क्यों कह रहे हो? मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। क्यों नहीं? वरना मैं आपको बहुत तंग किया करूंगा। माय सन, मैं नहीं जाऊंगी, इंसिस्ट नहीं करूं। मैं घर छोड़कर भाग जाऊंगा। नहीं मानोगे ना? हनी, अब हमें यहां से चलना चाहिए। हाँ ठीक है। इस वक्त कौन आया होगा? नहीं पता नहीं, रुको मैं देखता हूं। इमरान को खुश रखने के लिए बहुत मेहनत की, बहुत शरारती हो गया है मेरी वजह से। मैं हर वक्त जॉब पर होती थी और वो हर वक्त आया के पास होता था। सारा गुस्सा उन्हीं पर निकलता था उसका। आखिरकार सब छोड़कर चली गई और इमरान मेरे पास रह गया, पर मैं उसे खुश नहीं रख सकी। मैं अपने और इमरान के लिए सब करने की कोशिश कर रही हूं, मैं मजबूर हूं। उसके लिए मैं कुछ और कर भी नहीं सकती। बरसों बाद इमरान को इतना खुश देखा है। जब आपको कॉल की थी उसकी आवाज वाकई बहुत अच्छी सुनाई दे रही थी। मालूम नहीं आपने ये कैसे किया, लेकिन जो भी है, आप दोनों इमरान को बहुत ज्यादा पसंद आए हैं। अभी अगर मैं ना भी चाहूं तो उसके लिए मैं यहां पर मौजूद हूं, उसकी रिक्वेस्ट पर आई हूं। वरना आपके चेहरे नहीं देखती। कल मीटिंग के लिए मेरे ऑफिस आ जाना। किस्मत है अपनी। Let's celebrate! अयास, पता है एक लम्हे के लिए तो मैं वाकई डर गई थी। पता है मैं हमेशा पॉजिटिव साइड देखता हूँ। मुझे मालूम था कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सही कहा, अल्लाह करे आगे भी सब ठीक होता रहे। होता रहेगा। तो क्या अब हम दोबारा से लवर्स बन सकते हैं? आई थिंक, आई डोंट नो, बन सकते हैं। सुनो जीनी, क्या तुम मेरी वैलेंटाइन बनोगी? इनफैक्ट मेरे पास एक आइडिया है हमारे लिए। वो क्या? मतलब हमें रोज एक दूसरे को नए सिरे से प्रपोज करना चाहिए, यानी रोज इसी तरह से। और रोज यूं ही, यानी ऐसे ही तूफान बर्दाश्त करेंगे। हाँ, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। मुझे रोमांस के कॉन्सेप्ट से ज्यादा दोस्ती का रिश्ता ज्यादा अच्छा लगता है, समझे? इंटरेस्टिंग, लेकिन मैं समझा नहीं, जरा समझाओ तो मुझे। तुम्हें पता है, जैसे तुमने अभी मुझसे पूछा कि हम लवर्स हैं या हम दोस्त हैं, पूछा ना तुमने? बिल्कुल। तो बस इसी में मुझे समझ आ गया कि हम सिर्फ सीनियर और अयाज हैं। अच्छा कंसेप्ट है वैसे। क्योंकि हम कुछ नहीं है और सब कुछ है। बिल्कुल। मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्ती हूँ और मैं ही तुम्हारी लवर हूँ, क्या ख्याल है? तुम्हारा मतलब तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड भी हो और बेस्ट गर्लफ्रेंड भी? नहीं, हम ज़ीनिया और अयाज हैं। कबूल कबूल।
यासीन यार, एक्चुअली मुझे एक बात है जो अच्छी नहीं लग रही। वो क्या बात है? तुम अक्सर अयाज जीनिया क्यों कहती हो? जीनिया अयाज भी तो कह सकती हो ना। चलो अब ये फजूल बातें नहीं करो ना तुम। अगर तुम अपना नाम पहले लेना चाहो तो क्यों लेना चाहोगी? क्योंकि औरतों का नाम पहले आता है। नहीं भाई, अल्फाबेट्स के हिसाब से मेरा नाम पहले आना चाहिए। अयाज तुम भी ना, कसम से बहुत बड़ी चीज हो वाकई। क्या हुआ यहाँ? मामा, मामा, मेरी बेटी, कुछ नहीं होगा। हमारा सामान घर से निकाल दिया, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन तुम परेशान मत हो, हम मिलकर कुछ ना कुछ कर लेंगे। पापा, हमें सड़क पे रहना होगा, हमारा घर छीन लिया है। मामा, मसला क्या है बताए ना। मुझे नहीं पता, शायद गलत फहमी है। मैंने कुछ देर पहले ही मालिक मकान से बात की थी। मानती हूँ मैं कि किराए देने में मुझसे देर हो गई, लेकिन मालिक मकान ने मुझे ये नहीं बताया था। मम्मा की जान, मत रो, हम लोग अब भी एक साथ हैं, इसमें रोने वाली कोई बात नहीं है। आप तो मेरे बहादुर बेटे हो। चलो बेटा, चुप हो जाओ। मम्मा, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों छुपाया मुझसे? मुझसे इतनी बड़ी बात आपने आखिरकार छुपा कैसे ली? मामा, हम तो एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाते ना। मुझे माफ कर दो, मैं तुम लोगों को एक क्षत भी नहीं दे सकी। मुझे माफ कर दो। ना रोएं, अब नहीं रोएंगी आप। आपने वादा किया था ना, कहा था ना आपने। प्लीज मामा, नहीं रोएं आप। अगर आप रोएंगी तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी, मैं नाराज हो जाऊंगी। बहुत हो गया, ना रोएं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बस बस, देखिए हम सब अभी भी साथ ही हैं ना, है ना? सब ठीक हो जाएगा, बस जरा सी हिम्मत करने की देर है, सब कुछ बदल जाएगा। अच्छा सुनो, अगर मुनासिब समझो तो मेरे घर चलो, रात यहाँ बाहर तो नहीं गुजारेंगी ना। गई बेटा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मेरिल, चलो आओ मेरे साथ, चलो आ जाओ, चलो जल्दी से। तुम जाओ, हमारी फिक्र ना करना। ज़ीनिया, एक मिनट प्लीज। आज मैं कॉल करूंगी, मैसेज पे बात करना, मैं नहीं रुक सकती, अभी मेरा अम्मी के साथ होना जरूरी है। क्यों दसदा नहीं मैनू, किथे लग तेरा दिल गया वे, मैनू लगदा तेनू कोई होर मिल गया है।